गुयांशी चेयरमैन को थैंक यू कहता है। इसके बाद चेयरमैन कहता है कि गुयांशी कि आज शाम को तुम फ्री हो, मैं तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। ये सुन के यांशी थोड़ा सा हिचकिचाती है, लेकिन चेयरमैन कहता है कि यांशी ये कोई बात नहीं है, बस कैजुअल मीटिंग होगा और इसके बाद बस ऑफिस के बारे में ही बात होगा। ये सुन के यांशी कहता है कि ठीक है सर। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर लो ऑफिस में काम कर रहे होते हैं और उनका असिस्टेंट उन्हें इन्फॉर्म करता है कि सर चेयरमैन सर ने आपकी वाइफ को आपके लिए पर्सनल असिस्टेंट अपॉइंट किया है। साथ ही साथ ये भी इन्फॉर्म करता है कि सर चेयरमैन सर ने आज शाम को आपके लिए एक डेट अरेंज किया है, उसको अटेंड करने के लिए भी कहा है। ये सुनकर मिस्टर लो कहता है कि इसको कैंसिल कर दो। फिर असिस्टेंट कहता है कि नहीं सर, चेयरमैन सर ने कहा है कि अगर आप ये डेट अटेंड नहीं करेंगे वो अपनी जान ले लेगा। फिर मिस्टर लो सोचने लगते हैं कि क्या करना है। फाइनली मिस्टर लो डेट के लिए राज़ी हो जाते हैं और यहाँ पे आके अपने डेट के लिए वेट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ एक लड़की मिस्टर लो को देखती है और आके उनका नंबर मांगती है। इधर ये दोनों बात कर रहे थे और उधर गुयांशी भी कैफ़े में पहुंच जाती है और आके इन दोनों को ऐसे बात करते हुए देख के मन ही मन में जेलस हो जाती है और कहती है कि अच्छा कुछ दिन पहले शादी हुआ है और इधर आके आप किसी दूसरे लड़के के साथ डेट कर रहे हो। मिस्टर लो लड़की को देख के कहते हैं कि क्या आप मेरे आज के डेट हो, सॉरी मैं आपके लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। दूसरी तरफ गुयांशी मिस्टर लो के पास आते हैं और आके कहते हैं कि अंकल आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अच्छा अच्छा तो ये आपका आज डेट है। इसके बाद मिस्टर लो ये सुन के कहते हैं कि गुयांशी तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो, लेकिन गुयांशी अपना एक्टिंग कंटिन्यू करती है और दौड़ती हुई मिस्टर लो के पास आती है। आके कहती है कि अंकल प्लीज़ आप ऐसे दूसरों को हार्म करना बंद कर दीजिए, अगर मेरी आंटी आपके बारे में ऐसे सुनेगी तो गुस्से में पागल हो जाएगी, प्लीज़ अंकल ऐसा मत कीजिए। ये सुन के मिस्टर लो मन ही मन में हंसने लगती है और ये सारी बात सुन के दूसरी तरफ से वो लड़की इधर से चली जाती है। लड़की के जाने के बाद मिस्टर लो कहते हैं कि गुयांशी ये सब क्या हो रहा था, लेकिन गुयांशी कहता है कि डोंट वरी मैं जो तुमसे कहना चाहता हूँ बस ये है कि तुमने मुझे कहा था कि शादी के बाद हम दोनों को डेडिकेट रहना चाहिए, तो फिर ये तुम्हारे लिए भी एप्लीकेबल है। ये सुन के मिस्टर लो कहता है कि क्या इसका मतलब मैं समझ लूँ कि तुम हमारी शादी को एक्सेप्ट कर रहे हो। इसके बाद मिस्टर लो कहते हैं कि गुयांशी तुमने अभी जिस लड़के को देखा था उसको मेरे फादर ने एज अ डेट मेरे लिए अरेंज किया था, लेकिन मैंने पहले उसको रिफ्यूज़ कर दिया, लेकिन एक बात बताओ तुम अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो। इसके बाद मिस्टर लो को गुयांशी कहता है कि मुझे मेरे लीडर ने यहाँ पे काम के लिए बुलाया था लेकिन अभी तक आया नहीं, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा। ये सुनकर मिस्टर लो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, चलो एक साथ घर निकलते हैं। दोनों के निकलने के बाद दिखाया जाता है कि एक लड़का चेयरमैन को कॉल कर रहा है और बोलता है कि सर गुयांशी और मिस्टर लो एक ही साथ निकले थे। ये सुनकर चेयरमैन सर बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे पता था मेरा बेटा ज़रूर गुयांशी को पसंद कर लेगा। ये सुनकर उसकी माँ भी खुश हो जाती है। इसके बाद मिस्टर लू को चेयरमैन सर कॉल करता है और बोलता है कि क्यों कैसा लगा मैंने तुम्हारे लिए जो लड़की अरेंज किया था, तुम सेटिस्फाइड हो ना। तो ये सुन के मिस्टर लू कहता है कि कभी आगे से दोबारा ऐसी लड़की को मेरे साथ इंट्रोड्यूस मत करवाना। ये सुन के चेयरमैन सर थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं कि क्यों क्या हो गया, मुझे मैंने सुना था तुम दोनों एक ही साथ निकले थे, क्या चल रहा है। चेयरमैन की बात सुन के मिस्टर लो की माँ थोड़ा सा परेशान हो जाती है और बोलते हैं कि मैंने कहा था ना कि कभी वो नहीं मानेगा हम दोनों की बात, लेकिन चेयरमैन कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है तुमने गुयांशी से नहीं मिला, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। फिर मिस्टर लो की माँ ये भी कहता है कि पता नहीं एक ही बेटा है हमारा, लेकिन 30 साल हो गए अभी भी शादी नहीं किया, पता नहीं कब तक शादी करेगा। इधर दिखाया जाता है कि शिवी और सिचुआन एक दूसरे से मिलते हैं और शिवी सिचुआन से पूछती है तुमने सच में देखा था गुयांशी मिस्टर लो को हक कर रहे थे। सिचुआन कहता है कि हाँ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, देखो शिवी मुझे नहीं लगता कि सिचुएशन सब ठीक है। लेकिन शिवी कहता है कि अगर मैं सबके सामने उससे माफ़ी मांग लूँगी इसका मतलब तो ये होगा कि मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर रही हूँ। फिर सिचुआन कहता है कि देखो मुझे नहीं लगता कि फ़ाइट करने से कोई मतलब होगा और मैं जा रहा हूँ अब्रॉड कुछ दिनों के लिए, तुम भी एक काम करो तुम भी प्लानिंग कर लो अपने अब्रॉड जाने का। लेकिन शिवी कहते हैं कि नहीं मैं किसी भी हालत में गुयांशी से हार नहीं मानूंगी। इसके बाद वो मन ही मन में सोचने लगते हैं पता नहीं ये ओल्ड मैन ने क्या देखा था गुयांशी के अंदर, मैं भी उससे ज़्यादा बेटर कर सकती हूँ। दूसरे दिन मिस्टर लो का ड्राइवर गुयांशी को छोड़ने के लिए कॉलेज आता है और जब उसको कॉलेज छोड़ के जब जाने वाला था दिखाया जाता है कि उसी टाइम शिवी जानबूझ के उन लोगों के गाड़ी के सामने आ जाता है और आके गिरने की एक्टिंग करती है। शिवी को ऐसे गिरते देख ड्राइवर आके पूछता है कि मैं सब ठीक तो होना कि आप हॉस्पिटल जाना चाहते हो, लेकिन शिवी कहता है कि आप थोड़ा सा मुझे हेल्प कर सकते हो उठने में। तो उसके बाद जब ड्राइवर शिवी को उठाता है तब बोलते हैं अंकल कि आप मुझे थोड़ा सा हॉस्पिटल लेके जा सकते हो, ये बोल के उसको सीड्यूस करने की कोशिश करते हैं और ड्राइवर भी उसके साथ साथ रिस्पॉन्स भी करता है। और इसका रिस्पॉन्स देख के शिवी मन ही मन में सोचते हैं गुयांशी मैं भी देखता हूँ तुम कैसे मेरे साथ फाइट कर सकते हो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नानन और गुयांशी एक दूसरे के साथ कॉलेज में बात कर रहे थे कैसे आज कॉलेज में उन दोनों का लास्ट डे है और कैसे इन दोनों का टाइम एक साथ निकल गया था पता ही नहीं चला। सडनली नानन को याद आता है और गुयांशी से पूछते हैं गुयांशी शिवी ने अभी तक तुमसे माफ़ी नहीं मांगा, और फिर बताते हैं पता नहीं मैंने कुछ रूमर सुना था सच है या नहीं,
उसके बाद शीशी बताती है वो है नन्नन मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज़ देना है। ये सुन के नन्नन कहते हैं क्यों क्या हो गया तुमने शादी कर लिया क्या। ये सुन के शीशी घबरा जाते हैं बोलती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है एक्चुअली मैं ऑफिस में मेरा जो जॉब था वो परमानेंट हो गया है। नन्नन जॉब परमानेंट होने के साथ सुन के बहुत खुश हो जाते हैं बोलते तुम्हें जॉब परमानेंट होने की खुशी में आज रात को हम दोनों पार्टी करेंगे। ये सोच के शीशी थोड़ा सा घबरा जाते हैं बोलते ठीक है मुझे एक मिनट टाइम दो। दूसरी तरफ जाता है कि मिस्टर लो ऑफिस में मीटिंग कर रहे थे सडनली उनके पास एक कॉल आता है और मीटिंग को होल्ड कर देते। ये देख के ऑफिस के सारे स्टाफ थोड़ा सा चौंक जाते हैं कि मिस्टर लो फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मीटिंग के बीच में मीटिंग को होल्ड कर दिया। मिस्टर लू फ़ोन रिसीव करते हैं और शीशी के पूछती है कि सब कुछ ठीक तो है ना, लेकिन शीशी बताती है कि क्या मैं आज थोड़ा सा लेट से घर आ सकती हूँ। ये सुन के मिस्टर लू कहते हैं कि हम दोनों की शादी की बस कुछ ही दिन हुआ है तुम अभी घर से लेट आने के बारे में बोल रहे हो। तो शीशी कहते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं मेरी जॉब परमानेंट होने की खुशी में नन्नन पार्टी देना चाहती है। तो मिस्टर लू कहते ठीक है कोई बात नहीं लेकिन जल्दी घर आना। फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद मिस्टर लू अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहते हैं कि शीशी का जो लोकेशन होगा आज रात का वो मुझे इन्फॉर्म करो। मिस्टर लू और शीशी जब एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे पीछे से नन्नन आ जाती है और जब गुएंशी फ़ोन डिस्कनेक्ट करते उसी वक्त नन्नन आके कहते हैं अब जल्दी जल्दी बताओ वो लड़का कौन है। तो शीशी कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है एक कोवर्कर था जिसने मुझे कॉल किया था और लेकिन चलो अब लेट नहीं करते जल्दी जल्दी चलो क्लास के लिए जाते। ये बोल के दोनों वहाँ से निकल जाते हैं क्लास के लिए। फिर दिखाया जाता है कि शाम को शीशी और नन्नन क्लब पहुँचते हैं पार्टी करने के लिए। ये दोनों पार्टी कर रहे थे और दूसरे रूम में जाके यहाँ पे सुशवन और उसके दोस्त के साथ पार्टी चल रही थी। सुशवन के दोस्त उससे पूछ रहा था कि सच में तुम यहाँ से जा रहे हो अब्रॉड, लेकिन सुशवन कहता है कि हाँ ये सब कुछ बस गुएंशी का फॉल्ट है। इधर वो लोग बात कर रहे थे दूसरी तरफ सुशवन का एक दोस्त आके कहता है कि मैंने अभी गुएंशी को देखा वो नेक्स्ट रूम में बैठ के ड्रिंक कर रहा था पार्टी कर रहा है। सुशवन के सारे दोस्त कहते हैं कि सुशवन क्यों ना अब्रॉड जाने से पहले तुम गुएंशी को एक सबक सिखा दो। इसके बाद सुशवन कहते हैं गुएंशी कहाँ पे चलो वहीं पे चलते हैं। शीशी और नन्नन जब रूम में बैठ के पार्टी कर रहे थे उधर दूसरी तरफ से शीशवन अपने सारे दोस्त को लेके उसी रूम के अंदर आ जाता है और आके शीशी को कहता है देखो देखो ये मेरा एक्स गर्लफ्रेंड है और फिर उसको ड्रिंक भी ऑफर करता है लेकिन शीशी उसको इग्नोर करती है और ये चीज़ शीशवन को अच्छा नहीं लगता उसको गुस्सा भी आ जाता है। और दूसरी तरफ सुशवन के सारे दोस्त इन दोनों को पकड़ लेता है कहता है कि अगर भाई बोल रहा है तुम्हें ड्रिंक करने के लिए तुम्हें ड्रिंक करना है, लेकिन ये चीज़ देख के शीशी कहता है कि अगर तुम लोग अभी जल्दी से जल्दी नहीं लिख लोगे यहाँ से तो फिर मैं पुलिस को बुला लूँगी। ये सुन के सुशवन कहता है कि चलो चलो जल्द से जल्द सब निकल जाते हैं नहीं तो फिर हम लोग तो बहुत ज़्यादा घबरा गए। ये बोल के वो शीशी की मजाक उड़ाता है। इसके बाद सुशवन गुस्से में शीशी के हाथ पकड़ कर उसको अंदर लेके जाने की कोशिश करता है लेकिन नन्नन उसको छुड़ाने की कोशिश करता है और इन दोनों का जैसे हाथापाई चल रहा था उसी वक्त दूसरी तरफ से मिस्टर लो उसी लोकेशन पे आ जाते हैं और आके शीशी और नन्नन को ढूंढने लगते हैं। शीशवन जब शीशु को लेकर जबरदस्ती जाने की कोशिश कर रहा था दूसरी तरफ उसके सारे दोस्त मिलकर नन्नन को जबरदस्ती ड्रिंक करने की कोशिश कर रहे थे और इसी वक्त मिस्टर लू अंदर आ जाते हैं आके इन दोनों को मारने स्टार्ट कर देते और ये देख के सभी लोग बोलते तुम कौन हो, लेकिन नन्नन कहते कि अंकल किसी भी तरह से जल्द शीशु को हेल्प कर दो। या फिर दूसरे रूम पे शीशवन आके शीशी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन शीशी खुद को बचाने के लिए एक बोतल छोड़ के मारती है शीशवन के ऊपर। इससे शीशवन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहकर शीशी को मारने की कोशिश कर तो उसको गला दबाना स्टार्ट कर देते और सही वक्त पर या फिर मिस्टर लो आ जाते और शीशी को बचा लेता है और दूसरी तरफ से मिस्टर लो का असिस्टेंट शीशवन को पकड़ लेता है। मिस्टर लू आके शीशी से पूछता है शीशी तुम ठीक तो हो ना, और दूसरी तरफ अपने असिस्टेंट को कहता है कि सुशवन के सारे हाथ पर तोड़ दो। ये सुन के सुशवन कहता है कि तुम्हें पता है कि हम लोग कौन है, हम लोग सॉन्ग फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे फैमिली पूरे सिटी के 10 टॉप टीचर्स फैमिली में से एक है, क्या तुम हमारे अगेंस्ट जाना एफर्ट कर सकते हो। ये सुन के मिस्टर लू गुस्सा हो जाता है बोलते कि इतनी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है और बोल के वो शीशी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। मिस्टर लू शीशी को लेकर रूम के बाहर आते ही नन्नन उनके पास दौड़ के आती है और कहती है शीशी तुम ठीक तो हो ना, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो गई थी। इसके बाद मिस्टर लू बोलते हैं कि क्यों तुम्हें तो उसको ऐसे प्लेस में लेके आए थे ना। इसके बाद अपने असिस्टेंट को मिस्टर लू कहता है कि जाके नन्नन को अपने घर पे छोड़ के आओ और मेरी सिस्टर को ये भी बोलना कि नन्नन को 3 दिन के लिए रूम में लॉक करके रखे। ये सुन के नन्नन कुछ बोल नहीं पाती है लेकिन शीशी कहते हैं कि मिस्टर लू इसमें नन्नन की कोई गलती नहीं है, मैंने उसको इन्वाइट किया था। शीशी की बात सुन के नन्नन मन ही मन में सोचने लगते कि पता नहीं अभी आगे क्या होगा, अंकल क्या डिसीजन लेंगे। लेकिन शीशी की बात सुनने के बाद मिस्टर लो कहता है कि ठीक है पहले नन्नन को घर छोड़ के आ, बाकी बात हम बाद में करेंगे। ये बोलकर शीशी को गोद में उठा कर उधर से निकल जाती है और ये चीज़ देख के नन्नन शॉक्ड हो जाती है और असिस्टेंट से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन असिस्टेंट उनकी सारी बात इग्नोर करता है। फिर नन्नन कहता है कि पता नहीं ऐसा तो नहीं है ना कि अंकल को शीशी के ऊपर कोई क्रश है।
इधर दूसरी तरफ शिवी ड्राइवर को मिस्टर लू समझ लेती है और उनके साथ फिजिकली इंटीमेट हो जाती है। और इसके बाद शिवी ड्राइवर से पूछता है कि अंकल आप सेटिस्फाइड तो हो ना, और ड्राइवर भी खुश हो जाता है। इसके बाद शिव कहती है कि अंकल एक बात बताइए, गुहेंशी और मुझ में कौन ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये सुनने के बाद ड्राइवर कहते हैं कि देखो गुहेंशी के बारे में ऐसे बात मत बोला करो। ये सुन के शिव बोलते हैं ठीक है अंकल, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आपने मुझे गुहेंशी से जो माफ़ी मांगने के लिए बोला था, क्या मैं वो माफ़ी अकेले में मांग सकती हूँ? लेकिन ये बात सुनने के बाद ड्राइवर कहता है कि देखो मैं गुहेंशी के बारे में ऐसे कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। ये सुन के शिवी कहते हैं कि पता नहीं अभी मैं क्या करूँगी, ये बोलकर रोने की एक्टिंग करती है। और ये देख के ड्राइवर दौड़ के उनके पास आती है और फिर बोलता है ठीक है कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल रहूँगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि ड्राइवर शिवी को एक कार्ड देती है और कार्ड देने के बाद वह से वो निकल जाती है। लेकिन शिवी जब कार्ड देखती है उसको लगा था ये ब्लैक कार्ड होगा, लेकिन ये नॉर्मल कार्ड देख के उसको पसंद नहीं आता है। इधर मिस्टर लो गुहेंशी को लेके घर आती है, लेकिन यंशी कहती है कि मिस्टर लो मैं अकेले चल सकती हूँ। ये सुन के मिस्टर लो उसको नीचे उतार देती है और उसको किस करने जाती है। इसके बाद शीशी पूछती है कि मिस्टर लो आपने मुझसे ऐसे जल्दी में शादी किया था, इस वजह से कि हम दोनों ने एक साथ सोया था? ये सुन के मिस्टर लो कहता है कि हाँ बस इसी वजह से मैंने तुमसे शादी किया। ये सुन के शीशी को थोड़ा सा बुरा लगता है और इसके बाद मिस्टर लो वापस से शीशी को किस करती है। मिस्टर लू और शीशी रोमांटिक नाइट बिताने के बाद दूसरे दिन सुबह जब शीशी बेड से उतरती है तब उसको एक फ़ोटो मिलती है और ये फ़ोटो देख के वो थोड़ा सा चौंक जाती है कि ये फ़ोटो उनके पुराना ग्रेजुएशन वाला फ़ोटो है, लेकिन ये फ़ोटो यहाँ पे क्या कर रहा है। इसके बाद मिस्टर लू का ड्राइवर जब शीशी को छोड़ने के लिए कॉलेज आता है तब ड्राइवर शीशी से पूछता है कि मैडम क्या आप शॉन्ग शिवी को जानते हो? ये सुन के शीशी कहते हैं हाँ ये मेरा क्लासमेट है अंकल, क्या आप मुझे उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? लेकिन ड्राइवर कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था। इसके बाद नन्नन और गुहेंशी जब कॉलेज के अंदर आ रही होती है तब उन्हें वहाँ पे लॉन्ग शिवी मिलती है। लॉन्ग शिवी को देख के नन्नन कहता है कि शिवी तुमने अभी तक गुहेंशी से माफ़ी नहीं मांगा है। लेकिन शिवी नन्नन की बात को इग्नोर कर देता है, गुहेंशी से पूछता है कि आने से पहले तुम्हें अपना इंस्ट्रक्शन मिल गया है ना, अभी इसे प्रिटेंड करना बंद कर दो, तुम्हें पता है ना गुहेंशी कि तुम मुझे ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते। ये सुन के गुहेंशी को याद आ जाता है कि ड्राइवर उसको कुछ बोलने वाला था और फिर गुहेंशी शिवी को कहता है कि शिवी क्या हो गया, तुम क्या अपना प्रोफेशन चेंज कर रहे हो? गुहेंशी की बात सुन के शिवी कहता है कि अच्छा इसका मतलब तुम्हें इंस्ट्रक्शन मिल चुका है। लेकिन इन दोनों को इतना कॉन्फिडेंट दे के शिवी थोड़ा सा घबरा जाती है और बोलती है कि ठीक है मैं आज जो कुछ भी करूँगी बस चेयरमैन लू की वजह से करूँगी। चेयरमैन लू की बात सुन के ननन कहता है कि क्या तुम मेरे अंकल को जानते हो? लेकिन गलत करने की वजह से शिवी कहते हैं कि हाँ। और फिर इसके बाद शिवी गुहेंशी को कहता है कि गुहेंशी मुझे पता है कि तुमने कैसे शेमफुल मेथड यूज़ करके मिस्टर लू के पास गए थे। ये सुन के गुहेंशी को बहुत गुस्सा आ जाता है और गुहेंशी कहता है कि शिवी तुम जल्द से जल्द मुझसे जाके अभी पब्लिकली अपोलोजाइज कर लो, नहीं तो फिर ये ठीक नहीं होगा। इसके साथ साथ नानन ये भी बताती है कि शिवी अगर तुम कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश करोगे मैं तुम्हारी और सुचवान की सारी बातें मैं मेरे अंकल को बता दूंगी। ये सुनने के बाद शिवी गुस्सा हो जाती है और बोलते हैं ठीक है बस तुम लोग वेट करो देखो क्या करते हो, ये बोल के वह से गुस्से से निकल जाती है। इसके बाद शिवी कॉलेज के कॉन्फ्रेंस रूम में आती है और आके सबको माइक में बोलती है कि मेरा नाम शिवी है और मैं कुछ दिन पहले शिचवान के बारे में गुहेंशी को उल्टा सीधा बात बोला था और उसको ऐसे बदनाम करने की कोशिश की थी, इसकी वजह से आज मैं सबके सामने गुहेंशी से माफ़ी मांगती हूँ। इसके साथ साथ ये भी बताती है कि मेरे और शिचवान के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था, हम लोग बस एक नॉर्मल फ्रेंड थे। ये बात सुनते ही कॉलेज के सारे लोग आपस में बात करना स्टार्ट कर देते हैं कि अगर ऐसा ही था तो क्यों इन लोगों ने मिलकर गुहेंशी के बारे में उल्टा सीधा बात बोल रहे थे। दूसरी तरफ नन्नन शीशी से कहती है कि शीशी फाइनली शिवी ने तुमसे माफ़ी मांग लिया है, और इसके लिए शीशी नन्नन को थैंक यू भी कहते हैं। लेकिन नन्नन कहती है कि थैंक यू मुझे नहीं मेरे अंकल को कहना। फिर शशि के बारे में नन्नन को याद आ जाती है, नन्नन पूछते हैं शीशी कल मेरे अंकल तुम्हें लेके कहाँ गए थे? तो शीशी थोड़ा सा घबरा जाते हैं, बोलते कि आपके अंकल मुझे लेके हॉस्पिटल गए थे चेकअप के लिए। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? और ये सुन के नन्नन कहते हैं कि पता नहीं मुझे हमेशा लगता है मेरे अंकल और तुम्हारे बीच कुछ है। ये सुनने के बाद शीशी को याद आ जाती है उस फोटो के बारे में और फिर शीशी नन्नन से पूछती है कि नन्नन हम दोनों के स्कूल ग्रेजुएशन का फ़ोटो तुम्हारे पास अभी भी है ना? तो नन्नन कहते हैं कि नहीं पता नहीं वो फ़ोटो कहाँ पे है, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मिला नहीं है। लेकिन तुम इस फोटो के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तो शीशी कहते कि नहीं बस ऐसे ही पूछ रहा था। इधर शिवी एक लड़की को हायर करती है ताकि वो गुहेंशी के ऊपर नज़र रखे और वो लड़के को इंस्ट्रक्शन देती है कि तुम्हें बस गुहेंशी को फॉलो करना है और मुझे गुहेंशी के साथ उस ओल्ड मैन का फोटो चाहिए। और फिर शिवी मन में बोलती है गुहेंशी एक बार मुझे वो फोटो मिल जाए फिर मैं तुम्हारे पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। इधर दूसरे दिन गुहेंशी ऑफिस में काम कर रही होती है और उसके पास सडनली कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके पापा हॉस्पिटलाइज्ड है। ये सुनकर दौड़ती हुई हॉस्पिटल आती है।
हॉस्पिटल आके उसे अपनी माँ से मिलती है और उसके पापा को क्या है पूछने पे उसकी माँ बताती है कि पापा हॉस्पिटलाइज है, उसको हार्ट अटैक आया था, अब तुम लेट मत करो, जल्द से जल्द जाके उसका बिल क्लियर करो। गुएनशी यहाँ पे बिल पेमेंट करने के लिए जाती है लेकिन दिखाया जाता है कि उसके कार्ड में इनसफिशियंट बैलेंस है और ये सुनकर उसकी माँ गुस्सा कर लेती है, बोलती है कि इतने दिनों से ऑफिस में हो लेकिन अभी तक 10,000 रुपये तुम्हारे पास नहीं है। इधर गुएनशी के पास और कोई चारा नहीं रहता तो फिर वो मिस्टर लू का दिया हुआ कार्ड यूज़ करती है और ये कार्ड देखते ही रेंटो वाले के साथ साथ गुएनशी की जो माँ थी वो भी लालची हो जाती है। इधर मिस्टर लू का असिस्टेंट मिस्टर लू को आके कहता है कि सर मिसेस लू ने 10,000 रुपीज़ हॉस्पिटल बिल के लिए पेमेंट किया है और ये सुनते ही मिस्टर लू परेशान हो जाते हैं और दौड़ते हुए आती है हॉस्पिटल की तरफ। इधर गुएनशी की माँ उसके पापा को ब्लैक कार्ड के बारे में बता देती है और गुएनशी जब उसके पापा से मिले रूम के अंदर आती है तब उसके पापा उसको उल्टा सीधा बोलने लगती है और ये भी कहती है कि तुम्हें पता है ना कुछ ही दिनों में तुम्हारी भाई की शादी होने वाली है लेकिन तुमने इतना सारा पैसा कमा लिया लेकिन ये सारी बात हम लोगों से छुपा के रखते हैं, बोलते उसको मारने जाती है। ये लोग जब गुएनशी को मार रहे थे तब उसी वक्त मिस्टर लू अंदर आ जाते और देख रहे थे कैसे गुएनशी को ऐसे टॉर्चर कर रहे थे और मिस्टर लू को ऐसे अंदर देख के गुएनशी कहता है कि मिस्टर लू चलिए बाहर जाके बात करते हैं लेकिन गुएनशी के माता पिता उसको इधर रोक लेते हैं। मिस्टर लू को देख के गुएनशी की माँ उससे पूछती है कि गुएनशी का यही तुम्हारा वो अमीर फ्रेंड है, लेकिन गुएनशी बताती है कि नहीं नहीं ये बस मेरे साथ काम करता है। इसके बाद गुएनशी की माँ मिस्टर लू को कहता है कि देखिए मिस्टर अगर आप मेरी बेटी से शादी करना चाहते हैं तो आपको मुझे 1,000,000 देना पड़ेगा। ये सुनकर गुएनशी कहती है कि माँ आप खुद की बेटी को ऐसे बेचना चाहते हो। ये सुनते ही गुएनशी की माँ उसको थप्पड़ मार देती है। गुएनशी को मारते देख मिस्टर लू कहते हैं कि आप अपनी बेटी को ऐसे क्यों मार रहे हो, लेकिन उसकी माँ बताती है कि मेरी बेटी है मैं कुछ भी करूँ इससे आपको क्या। तो मिस्टर लू कहते हैं कि अगर मैं पुलिस को बुला लूँ उसके बाद आप क्या बोलोगे। फिर उसकी माँ थोड़ा सा घबरा जाती है उधर से चली जाती है। इसके बाद मिस्टर लू गुएनशी को लेकर अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। इधर डॉक्टर के चेकअप होने के बाद मिस्टर लू गुएनशी से पूछते हैं कि गुएनशी क्या तुम्हारे मम्मी पापा हमेशा तुम्हें ऐसे ही बुली करते हैं। मिस्टर लू की बात सुनने के बाद गुएनशी को याद आ जाता है कैसे उसके मम्मी पापा उसके ग्रेजुएशन के कॉलेज के एडमिशन के लिए मना कर दिया था और कैसे उसके ग्रैंड माँ ने फिर इसके लिए हेल्प किया था। ये सुनने के बाद धीरे धीरे मन ही मन में रोने लगती है। गुएनशी को ऐसे रोते देख मिस्टर लू कहता है कि गुएनशी पहले जो कुछ भी हुआ होगा लेकिन अभी से आगे से कोई भी तुम्हें ऐसे बुली नहीं कर पाएगा, मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगा तुम्हें ऐसे परेशान करने में,